बात करें यहाँ से अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो ग्वार गम का अक्टूबर वादा देख रहे हैं 10,173 पर है, 5.5% का ऊपरी सर्किट है, और ग्वार सीड का अक्टूबर वादा 6,025 पर है, 4.5% का ऊपरी सर्किट। आज सुबह की कार्रवाई सत्र में हमने आपको पहले ही बता दिया था कि ग्वार की कीमतों में आज तेजी बनती हुई नज़र आ सकती है, वही तेजी आज हम बनती हुई देख रहे हैं कि ग्वार की कीमतों में ऊपरी सर्किट लगते हुए नज़र आ रहे हैं। ग्वार का जो टारगेट दिया गया था हमारे जानकार द्वारा, आज वो अचीव होता हुआ नज़र आ गया है। आपको बता दें कि ग्वार गम का 10,000 के ऊपर सस्टेन होना बेहद ज़रूरी है, तभी 11,000 और 12,000 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो 10,000 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी ग्वार गम की कीमतों में वायदा में बननी ज़रूरी है, तभी अच्छे और अच्छे लेवल्स देखने को मिल पाएंगे। वरना ग्वार गम अगर सस्टेन नहीं हो पाता है 10,000 के ऊपर, तो एक रेंज ही देखने को मिलती रहेगी कि कभी 9,200 का लो लग गया, कभी 9,500-6,000 पे एक दायरा देखने को मिल गया, फिर कभी कभी आज की तरह एक ऊपरी सर्किट लगते हुए नज़र आ गए। तो एक इसी दायरे में कारोबार देखने को मिलता रहेगा अगर ग्वार गम का वायदा बाजार 10,000 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है तो। और ग्वार सीड की कीमतों में भी एक अच्छे खासे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, हम देख भी रहे हैं। अगर 6,000 के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो 6,200-6,400 तक भी जो तेजी है वो एक्सटेंड होती हुई नज़र आ सकती है। सस्टेनेबिलिटी देखनी ज़रूरी है ग्वार की कीमतों में अभी हाल फिलहाल में, तभी तेजी बनेगी, अदरवाइज ऐसे ही माहौल बना रहेगा, कभी मंदी तो कभी तेजी, उठापटक वाला माहौल ग्वार की कीमतों में देखने को मिलता रहेगा।